सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भूपिंदर सिंह, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए तबले का सेकंड लेसन लेकर के हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा तबले के बोल्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं इसके लिए, और अलग अलग बोल को कैसे बजाया जाता है और कैसे इसका निकास होता है, तो वो कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट। सो अब हम तबले के बोल्स जानने से पहले एक बात जान लेंगे कि तबले पर हाथ कैसे रखा जाता है। तो तबले पर हाथ जैसे आप देख रहे हैं, ये पांचों उंगली आप दाएं तबले के ऊपर रखेंगे, ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने रखा है। तीन उंगली ऊपर है, एक चीचली उंगली जो है मेरी वो गजरे के ऊपर है, और अंगूठा है जो वो भी गजरे के ऊपर रहेगा। थोड़ा सा जो ये बीच वाली फिंगर है, ये बीच वाली फिंगर हमेशा ऊपर रहेगी, ठीक है। और रिंग फिंगर है जो हमारी, ये रिंग फिंगर को थोड़ा सा गोलाई में रखना है हमने, ठीक है। और जो फर्स्ट फिंगर है वो किनार के ऊपर रहेगी। तो ये हमने ऐसे बजाना है, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बजेगा। ये बीच वाली फिंगर है जो ये हमेशा ऊपर रहेगी। जब कहीं हम कोई बोल अलग अलग बजाते हैं तो उसके लिए हम ये बीच वाली फिंगर भी यूज करते हैं। फिलहाल हम इसे ऊपर ही रखेंगे। तो ये बोल है जो, इसे कहते हैं ना। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हाथ ऐसे टिकेगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और डग्गे पर अब हम देखते हैं डग्गे पर हाथ कैसे रखा जाता है। हाथ को आपने एक सांप की शेप में ले लेना है, ऐसे बिल्कुल। और आप देख रहे हैं जैसे मैंने ये बजाया, गे गे, जैसे गे गे। तो ये बोल है गे 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 गे। तो आपने इसको भी एक फर्स्ट फिंगर एंड उसके बाद सेंटर वाली फिंगर जो आपकी है वो दोनों से बजाना है। वन टू, फर्स्ट इससे शुरू होगी ये वाली जो बीच वाली फिंगर है, और सेकंड इससे। तो वन टू ऐसे आपने चलना है, वन टू वन टू, गे 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 गे, ना ना गे गे। ये दो बोल आ गए हैं, गे गे एंड ना ना। तो अब बजाएंगे धा। गे ना, ना को हम ता भी कहते हैं, ना को ता भी बोला जाता है, गे एंड ता। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, मेरा मतलब है इन दोनों को जब इकट्ठे बजाएंगे गे और ता को, तो धा बन जाता है। धा, गे प्लस ता इज इक्वल टू धा। ऐसे ही अब तीन बजाते हैं हम, तीन। तीन हम कैसे बजाएंगे, जो ये फर्स्ट फिंगर है हमारी, ये हम मैदान के ऊपर रखेंगे, ऐसे बिल्कुल। ऐसे रखने के बाद बिल्कुल जरा सा टच करेंगे, और टच करने के बाद ही हम उसको एकदम ऊपर वापस अपनी जगह पर लेके आएंगे, ऐसे। ये हो गया तीन। ऐसे गे प्लस तीन, अगर इनको दोनों को इकट्ठा बजाएंगे तो ये धिन बन जाता है, गे प्लस तीन इज इक्वल टू धिन, गे तीन धिन, ठीक है। आपके पास आ गया गे बोल, अब हो गया ना, हो गया ता, हो गया तीन एंड धिन। अब ती, ये है ती बोल, जो आपको स्याही के बिल्कुल सेंटर में बजाना है। ती, ठीक है। अगर ती के साथ हम गे बजाते हैं तो ये धे बन जाता है, धे।
फिलहाल हम टी बजाएंगे, ये है टी, आप देख रहे हैं जैसे टी। अब टी के साथ फर्स्ट फिंगर साथ में बजाएंगे तो ये टी 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 बन जाता है, टी टी टी। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे ना ना दस दस बार आपने ना ना बजा लिया, उसके बाद दस बार आपने गे 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 करके बजा लिया, है ना। ऐसे सभी बोलों का आपने प्रैक्टिस करनी है, सभी बोलों की, और अच्छे से करनी है। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को आपने दोबारा फिर देखना है और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सो ये थे तबले के इम्पोर्टेंट बोल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है तबले के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन की वीडियो जो हम लेकर आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो आज के लेसन में इतना ही। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल एंड नमस्कार।